स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी तो वीडियो की शुरुआत है, तो वीडियो पे बने रहे। तो आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, और मैंने जो मटेरियल रात को ही फिटिंग कर लिया था, ये मटेरियल है जो देख सकते हैं आप। तो इस मटेरियल है जो ये भगवान के मंदिर का है दरवाज़ा, जो बोलते हैं ना डोर, तो ये डोर हो बन के रेडी होगा। कितने टाइम होगा, क्या होगा, क्या डिज़ाइन होगी, वीडियो पे बने रहिए। और मिलते हैं सिस्टम की तरफ, दिखा दो मैं आपको कि आज है जो हम 2D और 3D वर्क दोनों साथ में करने वाले। तो वीडियो पे बने रहिए, सीखने लायक अच्छी चीज़ है। जो हमारे भाई बंद सीखना चाहते हैं CNC मशीन, तो उनको दिक्कतें आएगी ये चीज़ों के अंदर, तो पहले ही देख ले आप। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बोल दीजिए। नहीं आया मेरे को समझ में तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और वीडियो के अंदर तो बता ही रहा हूँ। तो देखिए, बने रहिए वीडियो पे। थैंक यू। हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, तो चलो करते हैं अपना काम शुरू। तो पहले हमें जो बॉक्स बनाना है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो चलो बॉक्स बनाते हैं पहले। तो मेरी जो विड्थ है, मेरी विड्थ है 655 mm, और हाइट है जो मेरी 1115। तो इसको करते हैं क्रिएट, और क्रिएट करते हैं और क्लोज। फिर इसको बॉक्स को जो हम लेके आए थे बीच में, और अब हम करते हैं अपनी डिज़ाइन सेलेक्ट। तो डिज़ाइन सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, रिलीफ टूल के अंदर जाएंगे, पेस्ट रिलीफ फ्रॉम ए फाइल क्लिक करेंगे उस पर। तो मैंने ऑलरेडी फाइल मैंने बना ली है कल, तो मेरी फाइल कल रेडी हो चुकी थी। तो चलो हम देख लेते कौन सी फाइल थी हमारी। तो न्यू A1 करके डाला था मैंने। तो ये फाइल यह है जो आ गई हमारी, आप देख सकते हो ये फाइल है। इस फाइल की साइज़ हम कर लेंगे, तो हम जाएंगे 3D क्लिप के अंदर। तो विड्थ है जो हम डालेंगे 655, और हाइट है जो 1115। अब कर देते हैं इसको अप्लाई। अप्लाई करने के बाद है जो इसको कर देते हैं बॉक्स के अंदर सेट। सेट करने के बाद हम करेंगे इसको 00 पोजीशन करेंगे। तो हमें जाना है ट्रांसफॉर्म वेक्टर के अंदर, तो वहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर हम है जो पोजीशन सेट करेंगे। तो देख सकते हो पोजीशन में सेट कर रहा हूँ अपनी XY को 00, और जो ऑटो पे था उसको ऑटो में बंद कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद जो हमारा है जो देख सकते हो डिज़ाइन कॉर्नर के अंदर आ चुका है। तो अभी हम है जो इसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मेरे को 6 mm चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 mm अप्लाई करके पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने है जो पेस्ट कर दिया है। अब चलते हैं चेक करते हैं हाइट को। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 6 mm है जो शो हो रहा है यहाँ पे, और हम करते हैं ओके, और डिज़ाइन को देखते हैं। ये हमारी डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन है कैसी है कि देख सकते हो आपके, ये पूरी है जो कार्विंग होगी पहले, और जो बीच के अंदर ये जाली है वो उसके अंदर हम करेंगे कटिंग। तो कैसे होगा प्रोसेस, बने रहे वीडियो पे, देखते जाइए। जैसे जैसे समझ आता है वैसे समझिए, नहीं समझ आए तो कमेंट तो सेक्शन है ही हमारा, कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, और कैसे क्या आपने हमें बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी ऐसे काम करता रहूँ आगे, और मेरा भी मन लगा रहे कि हाँ भाई कुछ नहीं, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे भी कोई देख रहा है, हमसे भी कुछ सीख रहा है लोग। तो देखिए कैसे होता है क्या होता है। तो मैंने इसको है जो कर लिया है, अब हम करते हैं इसका टूल पाथ। तो पहले 3D देख लेते हैं। तो टाइटल वेक्टर के अंदर जाके ये देख सकते हो, ये 3D है हमारा। तो अब इसको हम करेंगे टूल पाथ देंगे सेलेक्ट वेक्टर, अपसेट, आउटसाइड। और जैसे कि मैं 5 mm बोलनोज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 mm बोलनोज है जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये सेलेक्ट हो गया हमारा। सेलेक्ट होने के बाद इसको है जो हम देख लेंगे, आपको बताया गया हर बार स्टेप डाउन। जैसे 6 mm है तो 6 mm डालना है, जैसे कि मेरे फीड रेट मशीन के अकॉर्डिंग है जो RPM सेट कर देना है। सेट करने के बाद है जो इसको सेटअप मटेरियल 25 mm का रखा है मैंने, तो अभी क्या मैं 40 करूँगा, क्योंकि मेरे जो वापस कटिंग भी है इसके अंदर, तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ। तो 40 करने के बाद ओके कर दिया है मैंने, तो देख सकते हो ये जो हमारा हो गया है। अब इसको करते हैं हम नाउ। तो हमारा टूल पाथ है जो लगना हो गया है शुरू।
जैसा कि देख सकते हो कि हमारा ये हो चुका है 3D रेडी। तो 3D कार्विंग ऐसे होगी। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, और फाइल को सेव कर लेते हैं हम। ये हमारी फाइल है, जो पहले की फाइल डिलीट कर दी जाए। तो इसका हम नाम रखेंगे 3D, 3D, 3D करके एंटर करते फाइल है जो हमारा सेव हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हमारी फाइल है जो सेव हो चुकी है। तो हम इसको करते हैं कट और क्लोज, और टूल पाथ के अंदर जाके सिमुलेशन देख लेते हैं इसका। तो कंप्लीट देखते हैं कंप्लीट कैसे होगा करके। तो देख सकते हो कि कंप्लीट ऐसे होगा कुछ। बड़ा कर देता हूँ 3D का। जैसे कि देख सकते हो कि डिजाइन हमारे कुछ इस प्रकार होगी मटेरियल पे टोटल। तब इसके अंदर हमें जो जाली कटिंग करनी है, तो जाली कटिंग कैसे होगी वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। अपने जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, और जो हमने 3D का टूल पाथ बनाया था उसको कर देना है डिलीट, ताकि वो मिक्स के अंदर सेव ना हो। अभी हमें इसको फाइल को करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अपने जाना है इधर, और बाद में जाना है ऑफसेट वेक्टर के अंदर। तो हाँ, मैंने डाल रखा है ऑफसेट वेक्टर के अंदर, डिस्टेंस डाल रखा है मैंने 1 mm। जैसे कि 1 mm की साइज होगी, ये देख सकते हो, ये 1 mm की होगी। 1 mm जितनी लाइन लेगी यहाँ पे, तो कैसे लेगी तो देख लीजिए। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको करता हूँ मैं अपसेट। देख सकते हो कि आप लाइनें बन चुकी है हमारी। तो क्लोज करते हैं इसको, और लाइनें बन चुकी है। तो यहाँ यहाँ से होगा कुछ सीन हमारा। तो देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो हम है जो भी सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन को। तो शिफ्ट दबा के जो अपनी लाइनें हैं जो हटा देनी, कौन कौन से हमें बॉक्सेस नहीं करने हैं। तो जैसे कि मेरे को ये नहीं चाहिए ऊपर वाला, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमें जो इसके अंदर है जो हमें जाली कटिंग चाहिए, तब कैसे होगा। तो हम लोग जाते हैं टूल पाथ के अंदर, टूल पाथ के अंदर जाके है जो इनसाइड। अब जैसे कि 35 mm का है, तो 35 mm मैंने जो कर लिया है, और सेलेक्ट टूल पाथ। अब मैं करूँगा 4 mm का बिट का यूज़ करूँगा मैं एंड मिल का, बट मैं डालूंगा यहाँ पे 3 mm का, क्योंकि 3 mm जो लेयर को अंदर से ले लेगा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। तो आप भी डाल के कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसे कर सकते हो। तो ये अभी हो गया हमारा एंड मिल। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 0.5। अभी मेरे को एक टाइम के अंदर कितना अंदर चाहिए स्टेप डाउन, तो मेरे को 5 mm चाहिए, क्योंकि 35 डालोगे तो बिट टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा 5 mm डाल दो। 5 mm डालने के बाद फीड रेट वही 150, 50, 12,000, 15,000 भी डाल सकते हैं, पर मेरी आदत है 12,000 डालने की, कम ही डालता हूँ। तो ठीक है, सेटअप मटेरियल कर लेते हैं।
और अभी देखते हैं जाके क्या सीन है अपने। नाव किया है देख सकते हो आप कि हमारा है जो इस प्रकार से कुछ होगा डिजाइन कटिंग। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारी यहाँ फाइल है जो मेंशन हो गई है, हमने जो पेन ड्राइव मशीन के यहाँ लगा ली है। और राउटर है हमारा 4 mm का, वो एंड मिल का बिट लगा हुआ है, इसको चेंज करेंगे हम और अभी 5 mm का डालेंगे और मशीन को कमांड देंगे, शुरू करेंगे। आप बोलते हो इस वीडियो के अंदर तो मैं नहीं दिखाऊंगा कि कैसे कमांड देते, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पुरानी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो हमारे यहाँ पे कि हम कैसे कमांड देते क्या करते। तो फटाफट मैं वीडियो को करता हूँ शुरू, कैसे होगा क्या होगा वो दिखा देता हूँ मैं खाली आपको, तो बने रहे हमारे वीडियो पे। और लास्ट में कैसा रेडी होता है ये, तो बने रहे वीडियो पे, दिखाऊंगा मैं लास्ट में आपको वीडियो के एंड में कि हमारा मटेरियल कैसे बन के रेडी होता है, तो बने रहे वीडियो पे। थैंक यू। Thank you.